मंत्रिमंडल के बैठक में जो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण है जो शासकीय कर्मचारियों का डीए है महंगाई भत्ता का, उसको उसमें 5% की वृद्धि की गई है और शासकीय कर्मचारियों का जो पेंशन की पात्रता अवधि 33 वर्ष से घटाकर 30 वर्ष और स्वैच्छिक जो सेवानिवृत्ति उसकी जो अवधि है वो 20 वर्ष से घटाकर 17 वर्ष की गई है और अनुपूरक अनुमान 2023-24 का भी अनुमोदन किया गया है। बस्तर और सरगुजा संभाग में जो नियुक्तियां हुई हैं उसमें विषयवार नियुक्ति के संबंध में जो पहले प्रावधान किया गया था वो विषयवार नियुक्ति के प्रावधान का उसका विलोप किया गया है। जो वरिष्ठ वेतनमान एक प्रक्रिया है कि पोस्ट खाली नहीं होने से पदोन्नति और क्रमोन्नति करने के बाद जो वेतनमान में वृद्धि होती है उसके बारे में भी फैसला हुआ है। एक टाटा टेक्नोलॉजिस लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था उन्नयन कराने के लिए एक एमओयू हुआ था, उसमें शर्त ये थी कि 60% का भुगतान उनको करना है और उसके बाद बाकी का भुगतान अलग अलग किस्तों में करने का प्रावधान किया गया था। तो जो एमओयू हुआ था उसका पालन किया जाए उसके उन्नयन के लिए। उन्नयन वरिष्ठ समाज से भी एक आपने नाम सुना होगा प्रभु दत्त खेरा, ये विकासखंड लोरमी में एक स्कूल उन्होंने प्रारंभ किया था अभ्यारण शिक्षण समिति, इसमें 7 कर्मचारी जो कार्यरत थे तो स्वीकृत सेटअप में उनको समायोजन का प्रस्ताव आया था जिसकी मंजूरी दे दी गई है। मोदी जी आ रहे हैं तो तैयारी के लिए उनकी पार्टी वाली बताएंगे। मुख्यमंत्री भी रहेंगे, मुख्यमंत्री शामिल होंगे कि शिकायत करेंगे, बर्खास्तगी की मांग करेंगे सरकार क्या है, आप उनके भी तो भ्रष्टाचार रहे कि आप लोग भी सौंपेंगे। जो प्रतिपक्ष का काम है उसको निभाएंगे। बोले नया नियुक्ति करने का आज के बैठक में चर्चा नहीं, कोई संशोधन विधेयक ला रहे हैं क्या? काहे का? कोई नहीं विषय का, अरे तो पढ़ के सुना है इतना सारा दुनिया भर का, यही तो है। पहले भी कई प्रारूप लाए हैं, हाँ पूरा बता दिया भारत सरकार की तरफ से। भारत सरकार डाटा प्रोटेक्शन बिल लाने की तैयारी में है। हाँ तो बिल का प्रारूप तो देखें पहले, तब उसमें अच्छा लाभ हानि क्या है वो तो उसके बाद ही बोलना पड़ेगा। कल से कर्मचारी हड़ताल पे जा रहे हैं। नहीं अभी कोई बात नहीं, ये पर कोई फैसला लेगी क्या आने वाले समय में? अब आने वाले अभी तो कैबिनेट और भी होगा आगे। कर्मचारियों का जो डीए है इसमें वृद्धि से कितना आप लोगों को वृद्धि भार होगा कि कैसे इसको इंप्लीमेंट? लगभग 1,000 करोड़ लोन लेंगे। नहीं लोन की तो कोई अभी नहीं। भैया कर्मचारियों की हड़ताल गाय के मुद्दे पर काम कर रहे हैं जो बीजेपी का मुद्दा है, वो लोग छत्तीसगढ़ियाबाद के मुद्दे पर काम कर रहे हैं जो आपका मुद्दा, तो हो क्या रहे हैं? छीन रहे हैं। दोनों में गलत नहीं है, हम जो कर रहे हैं वो भी गलत नहीं है, वो जो कर रहे हैं वो भी गलत नहीं है, दोनों सही। सर ये आवाज पर बड़ा अच्छा फैसला, धन्यवाद। पशु चिकित्सक सहायक इनके प्रमोशन के लिए जो अहर्ता है तो उसमें केवल 8% लोगों को प्रमोशन दिया जाता है, अब उसमें छूट प्रदान कर दिए हैं और एक बार के लिए कि जो 8% का जो सीमा है उसको एक बार के लिए शिथिल किया जाए। छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विधेयक 2023 का भी अनुमोदन हुआ है और रायपुरा में देवांगन समाज की तरफ से एक देवांगन कल्याण समाज की भूमि थी सामाजिक भवन बनाने के लिए, तो उसमें भी प्रव्याजी में छूट देने का निर्णय लिया है। भारत सरकार रक्षा मंत्रालय चकरभाटा बिलासपुर में 1012 एकड़ जो भूमि थी उसके लिए उन्होंने राशि जमा की थी, अब वो भूमि लेना नहीं चाहते इसलिए वो राशि उनको वापस करने का निर्णय लिया है। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के क्रियान्वयन में भी दिशा निर्देश में संशोधन का प्रारूप का अनुमोदन किया गया है।
और स्क्रैपिंग पॉलिसी, पुराने वाहनों के स्क्रैपिंग पॉलिसी के बारे में, करों में कितना कितना रियायत है उसके बारे में भी निर्णय लिया है। खाद्य निरीक्षकों का भी जो मेरिट सूची, वैध जो मेरिट सूची थी उसमें भी 6 माह की वृद्धि किए जाने का प्रस्ताव का अनुमोदन हुआ है। और यदि खुद का कोई रिजर्वायर बना के और विद्युत उत्पादन करना चाहता है तो उसके बारे में जो स्थापना नीति 2022 में भी संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। भंडार क्रय नियम 2002 में ऐसी वस्तुएं जो खाली एक ही कंपनी बनाती है तो उसके लिए भी भंडार क्रय नियम में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन हुआ है। अब हड़ताल पर करें, उसके लिए कुछ आप लोगों के 5 सूत्री मांग है, हड़ताल पर ना जाएं, काम ठप हो जाएगा सरकारी। भाई हम लोग की तरफ से तो हर बार ये मांग रहती है कि हड़ताल पर ना जाएं, लेकिन यदि मान लो मंत्रिमंडल में कलेक्टिव इनाल कोई फैसला होगा उसके बारे में ही जानकारी दे सकता हूँ। नहीं, आप लोग कोई अपील करेंगे उनकी मांगों के संबंध में कुछ चर्चा होगी क्या? नहीं, आज चर्चा नहीं हुई है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि वो काम में वापस आए। मोदी जी आ रहे हैं, अमित शाह, अमित शाह मोदी जी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जो राशन दुकानों में शक्कर वितरण किया जाता है तो वो सहकारी शक्कर कारखाना जो कोऑपरेटिव के अंतर्गत है उससे खरीदी करके और उसको वितरण किया जाए, इस प्रकार का निर्णय हुआ है। खनिज साधन विभाग में मानचित्रकार और अनुरेखक, खनिज के सिपाही, इनका चयन होकर जो लिस्ट है उसकी अवधि को 1 वर्ष बढ़ाना है, क्योंकि एक यदि अवधि ना बढ़े तो फिर जितना भी चयन की जो प्रक्रिया है वो लैप्स हो जाएगा, तो 1 वर्ष बढ़ाने का उसमें निर्णय हुआ है। एक महत्वपूर्ण फैसला वन विभाग का भी है। वन विभाग में 2008 के आसपास जो नियुक्ति हुई थी तो नियुक्ति पत्र में पे स्केल कुछ और लिखा था, लेकिन जो पे स्केल उस समय तत्समय निर्धारित था वो कम था। तो अभी स्थिति आ रही थी कि बहुत से कर्मचारी जो रिटायरमेंट में हैं उनसे वसूली की कार्रवाई, क्योंकि पे स्केल ज़्यादा लिख दिए थे नियुक्ति पत्र में 2008 में और पे स्केल कम था, तो अब ये तय हुआ है कि भाई जो नियुक्ति पत्र में लिखा था उसी को माना जाए। तो वो 2750 और 2444 पहले था, अब उसको क्योंकि नियुक्ति पत्र में 3050 और 4590 था तो उसको मान लिया जाए, ताकि जो बहुत से कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं परेशान हैं कि उनसे वसूली की कार्रवाई है वो अब नहीं होगी। भाई हर महीने आना पड़ेगा, अभी चुनाव नज़दीक है। पहली बार अमित शाह का जो स्वागत किए छत्तीसगढ़ी व्यंजनों से किए, पहली बार कुशा भाऊ ठाकरे परिसर में छत्तीसगढ़ी साज सज्जा किए, इसको किस रूप में? अच्छा, इसी में वो बैनर में भी छत्तीसगढ़ी महतारी की फोटो लगाई। अरे भैया, छत्तीसगढ़ी व्यंजनों को चिन्हित करके स्वीकार कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, ये मुख्यमंत्री जी के लिए एक उपलब्धि मान लीजिए आप। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि उनको विजय संकल्प का मंत्र देकर के गए हैं अमित शाह, पूरी कार्य योजना बता दी है कि कैसे जीत हासिल होगी। मंत्रों से कभी विजय संकल्प पूरा नहीं होता, मेहनत करो, काम करो, रणनीति भी बताएं। अरे रणनीति तो सबके पास है, रणनीति ये, लेकिन हो क्या नहीं, कैबिनेट चर्चा नहीं। आगामी जो संसद सत्र है उसमें डाटा प्रोटेक्शन बिल लाने की तैयारी में है केंद्र सरकार, आप बतौर कानून मंत्री इसको कैसे देखते? देखिए यहाँ पे आज के मंत्रिमंडल के बैठक में तो इस प्रकार में कोई चर्चा नहीं है किसी प्रकार से, लेकिन उसको प्रारूप तो देखें पहले, लाने का तो उनका तो कई प्रस्ताव है। संविदा कर्मियों को नियुक्ति करने को लेकर कोई बातचीत है मंत्रिमंडल में?